मधेपुरा में नव पदस्थापित जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही डीएम एक्शन मोड में दिख रहे। इस दौरान गुरुवार को मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। डीएम ने कहा कि जिले की जो प्राथमिकताएं एवं समस्याएं हैं उनसे संबंधित रिव्यू मीटिंग एवं क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित गति से निदान करने का मेरा प्रयास रहेगा एवं जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही जन जन तक पहुँचे और समय से लोगों को लाभ मिले यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। जनता की सेवा को मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आपको बताते चले कि मधेपुरा के नए डीएम बने तरनजोत थे 2017 बैच के आईएएस अधिकारी। इससे पहले कई जिलों में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके। डीएम के रूप में यह उनकी पहली पोस्टिंग। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं डीएम। 10 सितंबर को हमने जिलाधिकारी मधेपुरा के पद का प्रभार ग्रहण किया है और पिछले दो दिन से हम जिले की जो प्राथमिकताएं हैं और जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित रिव्यू मीटिंग और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं ताकि जिले का ओवरव्यू डेवलप कर सकें कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिले को, जो जो समस्याएं हैं लोगों की उनका त्वरित निदान करने का हमारा प्रयास रहेगा और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं तो उसका लाभ जन जन तक पहुँचे और समय से उन लोगों को लाभ मिले और मेरिट के बेसिस पर लोगों को जो है लाभ मिल सके तो वह हमारी प्राथमिकता रहेगी और जो भी समस्याएं रहेंगी तो उनका निराकरण करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।